तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम विद मी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए एंड ये बिल्कुल फ्री है। Hey guys, welcome back to my channel, Glam with me. So, आज एक रैंडम व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं कि कोलकाता आके हमारा जो दिन है वो कैसे गुजरता है, इधर उधर करते हैं. एक्चुअली मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है अब इस व्लॉग को. सुबह उठ के एक्चुअली ससुराल में मेरी हस्बैंड की मौसी मतलब माशी मुनी थी, तो उनका सुबह सुबह ऑफिस था तो वो निकल गई थी, तो इसीलिए मैं सुबह उठ गई थी. मम्मी जी के साथ थोड़ा सा हेल्प कर रही थी काम में, फूल गोभी की सब्जी बना रही थी. तो अभी जो है उसके बाद हम लोग मेरे मायका में आए हैं, और मेरे मायका और मेरे ससुराल आधे घंटे की डिस्टेंस में है, बहुत ही पास में ही है. मेरे हस्बैंड तो हाफ पैंट्स में भी आ जाते हैं कभी कभी, आज भी ऐसे ही आए हैं. और अभी मैं नहा के आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने अभी तक नहीं किया, वो काम कर रहे हैं. और इधर आके बस आज हमारा जो कोलकाता का ये सफ़र है वो ख़त्म होने वाला है. आज इस घर में मेरा मतलब इस बार की लास्ट डे है, और आज इसके बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, उसके बाद उधर से फिर हैदराबाद चली जाऊंगी. तो चल रहा है ये कुछ, मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ जब भी ऐसा डे आता है कि आज इसके बाद इस बार इधर नहीं आना है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहेगा. और अभी मेरी मम्मी जोर से खाना बना रही है, बहुत सारा खाना बनाती है जब भी हम लोग आते हैं. सो नाउ इट्स लंच टाइम. सो लंच में हम लोग क्या क्या खा रहे हैं? ये है कतला मच्छ मतलब फिश, उसको जस्ट नॉर्मल फ्राई किया है हल्दी और नमक डाल के. ये है दाल शेद्दो, मुझे ये बहुत पसंद है, मसूर दाल शेद्दो. इसके ऊपर से ना थोड़ा सा मास्टर ऑयल छिड़कना पड़ता है और नमक डालना पड़ता है बस. ये है फेमस बंगाली का माछेर कालिया, कतला माछेर कालिया. ये है आरबी का एक सब्जी, इसके अंदर छोटा छोटा एकदम साइज का प्रॉन रहता है, ये बहुत टेस्टी बनता है. और ये है प्रॉन भापा, ये मस्टर्ड सीड से उसको पेस्ट बना के बनाया जाता है, ये भी फिश है. और अभी हम लोग खाते हैं लंच. मैंने एक बार मेरे मम्मी को बताया था कि हमारे उधर पे हैदराबाद में हमारी एरिया में ना वो नहीं मिलता है आरबी. एक्चुअली आरबी हम लोग बंगाली में गाठी बोलते हैं, पर उसका एक बड़ा साइज होता है, उसको कोचू बोलते हैं, वो हमारे एरिया में उतना नहीं मिलता है. तो मैंने मेरे मम्मी को बताया था. फिर हम लोग कोलकाता आने के बाद मेरे मम्मी ना हर एक दिन एक अलग अलग उसकी सब्जी बना रही है, कभी फ्राई, कभी पकौड़ा, कभी उसके साथ फिश दे के. मैं सो गई थी दोपहर के खाने के बाद, और इधर पे ना ऐसा रूल्स नहीं है, पर हम लोग अगर फ्री है तो दोपहर में थोड़ा सा सो जाते हैं. सो अभी हम लोग मिठाई खाएंगे, मेरी मम्मी इतनी सारी मिठाई लेके रख देती है अगर हम लोग आ रहे हैं तो. और हम लोग इवनिंग स्नैक्स में मिठाई खाते हैं इधर आते ही. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है, मेरा भी, मिष्टी दोई, बंगाल का फेमस मिष्टी दोई. और ये मिष्टी दोई ना थोड़ा सा रेडिश रेडिश होता है, वो वाइट वाला एक मिष्टी दोई मिलता है और एक मिलता है वो रेडिश वाला. वो रेडिश वाला मिष्टी दोई मुझे बहुत पसंद है. और बहुत सारा मिठाई है, मैं दिखाती हूँ चलिए आपको. उसके बाद हम लोग इधर खा के ना निकलेंगे, और हम लोगों को कुछ खरीदना है, खा ले उसके बाद रेडी होके मैं निकल के आपसे मिलती हूँ. मैं रेडी हो गई हूँ, और हम लोग जो है ना हमारा जो ट्रॉली है वो बहुत छोटा साइज का है, सॉरी बहुत ही बड़ा साइज का है. तो हम लोगों को एक छोटा साइज का ट्रॉली लेना है, और मम्मी पापा के लिए भी एक लेना है. क्योंकि क्या होता है कि
हम जब आते हैं ना कोलकाता में या किधर भी जाते हैं तो उतना बड़ा साइज का ट्रॉली लेके आना जाना बहुत मुश्किल दिक्कत की बात होती है। और ऊपर से क्या होता है कि अगर बड़ा ट्रॉली है ना तो आप मेट्रो में नहीं जा सकते हो, कुछ भी लोकल वाला ट्रांसपोर्टेशन है उसमें नहीं चढ़ सकते हो, और उतना ज़्यादा बड़ा ट्रॉली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम लोग एक मिडिल साइज़ का या छोटा साइज़ का ट्रॉली लेने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। हम लोग फुल फैमिली एक आउटिंग में जाने वाले हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पे जाएंगे, वैकेशन में जाने वाले हैं, आउटिंग नहीं है, तो उसी लिए वो खरीदना है। और हम लोग थोड़ा सा इको पार्क होके आते हैं, उधर जाके मैं थोड़ा बहुत ही आपको दिखाऊंगी क्या सिचुएशन है, क्या लाइटिंग वगैरह है। सुना है बहुत अच्छा लाइटिंग है उधर पे, इस फेस्टिव में किया है। ज़्यादा नहीं शूट करूंगी क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे शायद कुछ मॉल में वो ट्रॉली खरीदने के लिए। तो आए हैं हम लोग शॉपिंग मॉल में, ट्रॉली देख रहे हैं, इधर इधर से लेंगे नहीं तो मैं ऑनलाइन लूँगी, जहाँ से भी लूँगी मैं बताऊँगी आपको। सो आ गए हैं हम घर, और मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़बरदस्त सर्दी लगी है, बहुत बहुत ज़ोर से पूरा बैठ रहा है, गला टॉन्सिल में प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो मुझे सर्दी लगी थी, अब उसको लग गई है। क्योंकि क्या होता है कि हैदराबाद और कोलकाता का वेदर तो काफ़ी रहता है, फ्लैक्चुएट करता है, उसमें मुझे सर्दी लग गई थी। और मेरे हस्बैंड को लगा है क्योंकि इधर का वेदर भी ना अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठंड पड़ रही है रात को, क्या बोलते हैं उसको, फॉगी हो रहा है ना वेदर, तो इसीलिए उसको ठंड लग गई है। तो हैदराबाद जाने से ना पहले हम लोगों को अच्छा होना है, नहीं तो उधर जाके अगर दोनों ही बीमार पड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ट्रॉली दिखाती हूँ मैं आपको, खरीद के लेके आई हूँ दो। सो हमने दो ट्रॉली लिया है, एक ये वाला, ये फाइबर का होता है जो ट्रॉली, वो ये हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम लोगों को क्या है, मतलब अगर आप फ्लाइट से आते जाते हो ज्यादा तो ये फाइबर वाला लेना चाहिए। इससे क्या होता है एकदम लॉक हो जाता है और आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको ट्रेन से ज्यादा मतलब आप आते जाते रहते हो तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि ऐसा जो ये कपड़े वाला होता है ना, पर ये भी वाटर प्रूफ बॉडी में ही होता है, वैरायटी रहता है, तो इसको आप अगर लेते हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इधर पे ना बहुत सारे जीप रहता है, इसमें आप थोड़े बहुत सामान रख सकते हो, जैसे ट्रेन में ज़रूरत पड़ती है पिलो या तो बेड कवर अगर आप एसी पे नहीं जा रहे हो तो। तो ये मम्मी पापा के लिए है और इसका प्राइस है 3290। और कितना इंच का है ये? 24 इंच। और हमारा भी सेम है, पर हमारा थोड़ा सा दिखने में छोटा लगता है क्योंकि फाइबर बॉडी जो है ना वो थोड़ा बहुत छोटा दिखता है। और ये एक्सपेंड भी करता है थोड़ा बहुत, ये वाला जो ट्रॉली मिलता है। और हमारा जो ट्रॉली है बहुत कम प्राइस में मिला है, ये किसका है, ये वीआईपी का, वीआईपी का है ना ये, हमको मिला है 2800 में। और ये भी, ये किसका है, वीआईपी का ही है, वीआईपी, हाँ ये भी वीआईपी का ही है। और अच्छी बात यह होता है कि आप जिधर भी जाओ, चाहे इंडिया हो इंडिया के बाहर, आपको वारंटी एंड गारंटी मिलता है। ये बॉडी के ऊपर मिलता है, व्हील के ऊपर मिलता है, जिप के ऊपर मिलता है, अच्छी बात है। सो मुझे ना बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे पूछते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हो, काफ़ी आप ट्रैवल करते हो, सच में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, कभी कोलकाता कभी हैदराबाद कभी रामागुंडम। सो उसमें मैं मेरा जो प्रोडक्ट्स है, मतलब स्किन केयर की या मतलब क्या बोलते हैं मेकअप की प्रोडक्ट, तो मेकअप मैं बहुत ही मिनिमम से करती हूँ। अगर मैं कोई किसी वेडिंग ओकेशन हॉल में जाती हूँ तब भी ज़्यादा करके करती हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं बहुत, जैसे पूजा में भी आप लोगों ने देखा मैं बहुत ही लाइट वेट मेकअप करना पसंद करती हूँ। मैंने तो पूरा पूजा चला गया, मैं एक भी दिन फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है मैंने। सो तब मेरा सारा प्रोडक्ट मैं ऐसे कुछ पाउच पैक मिलते हैं ना, ये मुझे मिला था प्लम प्रोडक्ट के साथ, तो इसमें मैं कैरी करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ऐसे वाले जो बैग रहता है ना, इसके अंदर मेरा सारा कुछ हो जाता है।
सो इसमें मैं रखती हूँ थोड़ा बहुत छोटे पैकेट में, ये ख़त्म होने को है। ये क्या होता है, कटन पैड मेकअप रिमूव करने के लिए, मेकअप रिमूवर है, कुछ दवाई मेरे स्किन केयर के लिए मतलब पिंपल्स ना हो इसीलिए, टोनर, मस्कारा, लिपस्टिक दो तीन कलर की, थोड़ा सा बीबी क्रीम, थोड़ा सा आईलाइनर, सनस्क्रीन, वेट टिश्यू और ये एक मेकअप पैलेट। ये है न्यूड मेबलिन का। ये जो पैलेट है ना काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि इस बैग में रखती हूँ ना तो ये इधर उधर की चीज़ें लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इन सारे चीज़ों को मैं मेकअप रिमूवर जब मेकअप रिमूव कर देती हूँ उस कॉटन पैड से एक बार इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्लीन हो जाता है। तो ये जो है ना ये मल्टीपर्पज़ है, इससे आप कंटूरिंग कर सकते हैं, आई शेडो लगा सकते हैं इससे, और बहुत सारे ऑप्शन है हाईलाइटर के भी। तो ये मैं कैरी करती हूँ, फुल हो जाता है अगर मुझे हाईलाइटर या कंटूरिंग करना है तो। सो इस तरह से रहता है। ये है एक मॉइस्चराइज़र, और इससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े ऐसे छोटे छोटे जो क्रीम्स स्क्रबर रहते हैं ना, इधर फेस वॉश भी है, तो उन सारे के लिए मैं और एक बैग कैरी कर लेती हूँ, पर मुझे इस बैग में मतलब सब सेट हो जाता है। सो अभी मैं जा रही हूँ एडिट करने, मेरी वीडियो कल पोस्ट करना है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया है लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैंने एक रैंडम डे आप लोगों के साथ शेयर किया, आई डोंट नो कैसा लगा है आपको। और रात में मम्मी जी खाना बना रही है, सुबह को मैंने थोड़ा सा बना के गई थी और अभी राइस बना रही है। अगर स्पेशल कुछ है तो दिखाऊंगी, नहीं तो इस ब्लॉग के इधर ही एंड कर दूंगी, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे सारे जो व्यूअर्स हैं ना वो मेरे तरह है, उन लोगों को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए जिस वीडियो में तुम ज़्यादा से ज़्यादा खाना दिखाती हो ना उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है तुमको। ओके सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।